बैट्समैन कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने रचा इतिहास। इनकी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर शायद आपके एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी और भारतीय टीम ने 2023 की हार का बदला आज इन कंगारू से ले लिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांच मुकाबला दिखाने वाले हैं, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने सोचा कि शायद हम इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रेड गड्डी विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव चौके और दो आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने लगे, तो वहीं टीम इंडिया की रेड की हड्डी विराट कोहली ने भी अपने बल्ले को लहराते हुए काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में तीसरे ओवर के 6 गेंदों पर एक चौका और 3 गगनचुंबी बाउंड्री लाइन के पार छक्के ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी आक्रामक मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रेड की हड्डी विराट कोहली ने जमकर के बल्लेबाजी की। विराट कोहली हालांकि आउट हो गए 6 ओवर की 4 बॉल पर 51 रन ठोकर के अर्धशतक की पारी ठोकर के, तो मैदान पर ऋषभ पंत था। ऋषभ पंत ने भी काफी डटकर बल्लेबाजी की और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेन गेंदबाजों का मकसद यही था मैक्सवेल का और यहाँ पर ड्रेविस हेड, और आप सभी को बता दें कि तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों का यहाँ पर रोहित शर्मा को कैसे करके आउट किया जाए। लेकिन रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। आप सभी को बता दें यहाँ पर रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर तो बल्लेबाजी करते, लेकिन ऋषभ पंत को लेकर के फिर भारतीय टीम को 11 ओवर की 4 बॉल पर काफी झटका लगा जब 41 रन ठोकर के ऋषभ पंत का यानी कि ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। सूर्य कुमार यादव एक काफी खोखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में लगातार 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं जब हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 137 रन ठोकर के आउट हुए तो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हार्दिक पांड्या काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन दोनों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलता रहा और ये काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करते रहे। आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, वो यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये 2023 के खिलाड़ी हैं या कोई और खिलाड़ी हैं। आप सभी को बता दें कि 2023 में हमारी भारतीय टीम पूरी तरीके से वर्ल्ड कप में फ्लॉप रही थी, लेकिन इस बार छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। यहाँ पर शिवम दुबे ने काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17 ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। शिवम दुबे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर हार्दिक पांड्या मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे। भारतीय टीम के घातक खुकार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज फाफ डुप्लेसी का करियर ही खत्म कर दिया जब हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोकर के ऐतिहासिक पारी खेल डाली। शिवम दुबे ने यहां पर 48 रन ठोक दिए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 122 रनों की नाबाद पारी खेली। यहां पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने काफी बड़ा रनों का पहाड़ का स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर उतरी तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा की कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, जहां पर पूरी की पूरी टीम को 15 ही ओवर में समेट दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम की इतनी बड़ी हार हुई यह एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार का सामना करना पड़ा, हमारी भारतीय टीम ने बुमराह की वजह से इस मुकाबले और रोहित शर्मा की वजह से जीता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।